केंद्र व राज्य सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस फिर से नई रणनीति के साथ मैदान में आ रही है। इस बार झांसी के कांग्रेसी बेरोजगारी के खिलाफ जिले के मुख्य बाजारों में जाकर थालियां पीटकर प्रदर्शन करेंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसको लेकर 15 नवंबर तक कांग्रेसी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। 15 नवंबर को जिला मुख्यालय पर बृहद स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा तथा सभा कर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक विनोद चतुर्वेदी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका विकास की जगह सबका विनाश कर दिया है। देश की कम से कम आपके द्वारा हम ये जन जन तक पहुंचाएं कि किस हाल में देश था और तो क्या हाल होता जा रहा है। बुंदेलखंड में तो 2007 से लगातार प्राकृतिक आपदाएं आई और हमेशा सरकारों ने मदद की। देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था ढहने की कगार पर है और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई है। कृषि और उद्योग धंधे चौपट हो जाने के कारण युवा पीढ़ी हताश है। इस आर्थिक आपातकाल के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क से सदन तक आंदोलन का निर्णय लिया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष भगवान दास कोरी, शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, मजहर अली, अरविंद वशिष्ठ, महिला कांग्रेस की प्रभा पाल आदि उपस्थित रही। हमने जो है जो जो इन्होंने वादे किए, चाहे किसानों के हित के हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों के हित के हों, चाहे आज देश की जो अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही है, तीनों मुद्दों पे ये सरकार फेल है। हमने आपको वाकायदा आंकड़ों के तहत बताया कि जो किसानों का इन्हें समर्थन मूल्य की बात कही थी कि जो लागत आएगी उससे 50% हम ज्यादा देंगे, लेकिन 50% छोड़ो, 200 रुपया जो रेट है उससे कम पे धान खरीदी जा रही है। आज बुंदेलखंड में सारी फसलें नष्ट हो गई, कोई सुनने वाला नहीं है, ना देश ना प्रदेश का एक मंत्री, मुख्यमंत्री किसी ने ये नहीं कहा कि किसानों का जो नुकसान हुआ उसे दिया जाए। क्या कर रही है कांग्रेस अब? कांग्रेस इसके लिए संघर्ष कर रही है। सड़कों पर 10 दिन का हमारा एक प्रोग्राम आया है। ये माननीय हमारे प्रियंका जी जो हमारी इंचार्ज है महासचिव, और लल्लू जी ने ये लगातार 10 दिन जनता के बीच में रह के लगातार जागृत करने का और सरकार की पोल खोलने का अभियान चलाने की प्रक्रिया शुरू की। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।